बैक टू माई चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेकअप लुक जो कि न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं वो अपनी शादी के बाद क्रिएट कर सकती हैं। ये क्या होता है कि चलो मैं बातें करते करते स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं अपने फेस पे टोनर लगा लेती हूँ क्योंकि जब हमारी शादी होने वाली होती है तो मैंने भी ऐसे किया था कि सामान बहुत खरीद लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, लेकिन फिर सोचते हैं यार ये कैसे लगाना था, ये कैसे लगाना था। फिर शादी के बाद ना जो कुछ दिन होते हैं, महीना को होता है, तो उस टाइम ना आपको टाइम कम मिलता है तैयार होने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी ये लुक क्रिएट करूं। मेक श्योर जब भी आप मेकअप करने लगे गर्मियों में स्पेशली, तो आप अपने फेस पे आइसिंग कर ले। मैं लगा रही हूँ प्राइमर, एज अ प्राइमर कह लो, ये सीरम सा है। आप इसको एज अ प्राइमर ना सर्दियों में यूज करें। अभी तो मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे ना अपना स्किन थोड़ा सा ऐसे ना ऐसे ऐसे चाहिए था थोड़ा सा। उसके बाद मैं प्राइम कर लेती हूँ। प्राइमिंग बहुत जरूरी है। ब्लू हेवन का यूज कर रही हूँ। आप इनसाइड का भी ट्राई कर सकते हो एंड इट इज बजट फ्रेंडली, सो इसलिए मैंने लिया था। जब तक ये सारी चीजें सेट होती है ना, तो मेरे ख्याल से मुझे अपना आई मेकअप कर लेना चाहिए। ये ना मैं हाथों से भी, मेरे को इसको अप्लाई करना अच्छा लगता है। हाथों से क्या होता है ना, अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं आपके ऊपर और प्रोडक्ट भी कम लगता है। आप जब भी आंखों का मेकअप करें तो ज्यादा लाइट ही बेस रखें। ये आता है जो कलर्स है पॉप अप होके आते हैं अच्छे से। मैं भी पहले प्राइम करने के बाद, जरूरी होता है कि हम सा पाउडर या कॉम्पैक्ट कुछ भी लगाएं। पहले मैं ब्रोज भी कर लेती हूँ जो कि मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। जो ब्रो पोमेड है ना वो ना बड़ा लाइट कलर है, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ स्विस ब्यूटी की पैलेट में से ना उसमें दोनों को आपस में मिक्स कर लेती हूँ। मैं स्विस ब्यूटी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इस पर मैंने वो ब्रो पोमेड लिया हुआ, मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ कलर को। मैं हमेशा ही बनाती हूँ कलर, मुझे आईब्रोज करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करना है, एक नीचे लाइन लगानी है, एक ऐसे ऊपर, और एक दोबारा ब्रश को डिप नहीं करना है प्रोडक्ट में। बस एक बार में हमने जितना प्रोडक्ट ले लिया ले लिया। देखो बस मैंने इतना सा ही लगाया। इतना सा लगाने के बाद स्पूली से इसको सेट कर, बिल्कुल जरा सा, ये देखिए दोबारा से थोड़ा सा पाउडर करूंगी। बहुत ही न्यूट्रल सा मेकअप रखूं मैं आंखों का। और मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट है मेरे पास। उस टाइम तुम्हारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो हम दो ही कलर्स को मैच करके आई लुक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्रीजिंग के लिए मैं इसमें से ये कलर ले रही हूँ, और इस तरीके का ब्रश लीजिएगा जो आगे से ऐसे हो ना, पॉइंटेड सा, गोल सा। या इसको थोड़ा डस्ट ऑफ, ये मेरी क्रीज है, तो के ही क्रीज को क्रिएट करूंगी। या बात समझ आई मेरी? ये जो क्रीज है ना मेरी, जहां पे ये वट सा पड़ रहा है, ये इससे ऊपर ही लगाना है मेरे को, सो दैट कि जो मेरी आंखें और बड़ी दिखे। इसे देखो, क्रीज मेरी ऊपर को आ रही है ना, ऐसा कुछ ले लेते हैं और इसको ब्लेंड आउट करते हैं। डार्क वाला कलर ले लेती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, आउटर वी पे सिर्फ फोकस करूंगी, यहाँ फिर जरा सा आगे। क्या करें, दोबारा से एक खाली ब्रश लेना है, इसको भी थोड़ा स्मूथ करना कलर को, ताकि ये हार्श, ये जो दिखती है ना हार्श लाइन, ये नहीं दिखनी चाहिए। बेस्ट तरीका होता है अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करना, और हमने कलर उठाया, मैंने आंख के बीचों बीच इसको रख दिया। पैलेट बहुत अच्छी है, हाईलाइट कर रही है ऐसे करके, यहाँ अपने वी सा बना लेना। मेन जो बात आती है, नाउ इट्स टर्न आईलैशेस, तो ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस हो सकती है। मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है आईलैशेस अप्लाई करना। अगर आपको आईलैशेस अप्लाई करनी है तब तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे आप। इतना टाइम तो हर कोई आपको दे देगा, आधा पौना घंटा तैयार होने के लिए। तो जब भी आपने आईलैशेस अप्लाई करनी है, उससे पहले आपने बहुत अच्छे से अपनी आईलैशेस को कोट करना है। फॉल्स 3D लैशेज हैं ये मैं यूज करूंगी। लैशेज को ऐसे लेके इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऐसे ग्लू लगा लेना है, ऐसे ऐसे हवा देनी है। मुझे खुद बहुत डर लगता है लैशेज अप्लाई करते हो, पता नहीं मेरे से कैमरे के सामने लगेंगी कि नहीं लगेंगी। मैं कोशिश कर लेती हूँ।
मैंने दोनों आईलैशेस अप्लाई कर लिए हैं और मैं आपको बताना भूल गई थी, जब भी आप आईलैशेस अप्लाई करें तो लाइनर पहले लगाइए। मेरे को तो बहुत मुश्किल हुई है लाइनर लगाने में, लेकिन जो आईलैशेस हैं ये बहुत ही प्यारी लग रही है। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा सा स्किन को कलर करेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स रहते हैं तो फिर सी थ्रू होते हैं ये, तो इट्स बेटर कि हम इसको थोड़ा सा हाइड कर लें। मैं इन साइड का पीच वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ना डार्क सर्कल्स हैं। मैं फिंगर्स का ही इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो प्रोडक्ट कम वेस्ट होता है, दूसरा इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अब आप देख लो कि मैं बहुत ही कम अमाउंट में जो प्रोडक्ट है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसे करके थोड़ा सा हमने इसको सेट कर लेना। लॉरियल ट्रू मैच, ये थोड़ा कलर मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, लेकिन चलो मैं अप्लाई भी ज़रा सा, सिर्फ इतना सा फाउंडेशन ही लगाने वाली हूँ मैं। ब्यूटी ब्लेंडर को ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं माना, बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसको अप्लाई करना है। बहुत कम प्रोडक्ट अपनी नोज़ के ऊपर लगाना है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना नोज़ के ऊपर। ब्यूटी का कंसीलर देखिए, मैंने बहुत ही नाम मात्र अमाउंट में प्रोडक्ट अप्लाई करना, ऐसे करके ज़रा सा और ज़रा सा, और सिर्फ इतना टैं 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 टैं, इतना सा और इतना सा, बस बस इसको जहाँ जहाँ लगाए सिर्फ वहीं वहीं। आंखों के नीचे अप्लाई करने करते हो ना, इसको थोड़ा ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लीजिए। अब हमने क्या करना है, जल्दी से अपनी आंखों को जहां जहां पर हमने हाइलाइटिंग की है उस एरिया को हमने सेट कर लेना है। अब मैं सेटिंग के लिए यूज कर रही हूँ ये स्टेक वर्की का लूज पाउडर। सबसे पहले मैं आंखों के नीचे करती हूँ, ब्रश मैंने गलत ले लिया है। जहां जहां आपको पसीना आता ना, आपने वहां वहां अच्छे से सेट कर लेना है। फ्लफी ब्रश लेके इसके ढक्कन में घुमाना है अच्छे से और अपने सारे चेहरे के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा ना कि जो आपको जो बाकी हमने लगाया था ना उसको भी साथ साथ में झाड़ते जाना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा मेकअप है ना वो काफ़ी देर तक टिका रहेगा। जो नई दुल्हन होती है ना उनको बेचारी को सारा सारा दिन करके बैठना पड़ता है, सारा सारा दिन मेकअप करना पड़ता है, तो ये बहुत ही अच्छे से सेट रहेगा। करेंगे थोड़ी सी लिटिल सी ब्रॉन्जिंग कर लेते हैं इस लोरियल इन्फेलिबल प्रो कंट्रोल किट, इससे थोड़ी सी, और ये बहुत ही लाइट कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मैं नहीं करूँगी, सिर्फ इस एरिया पे। थोड़ा ऐसे चिन एरिया पे, अगर मेरे जैसा मुंह चबी सा है तो थोड़ा सा फ्लैट शायद दिखने लग जाए। मैं हाइलाइटर यूज़ करूँ हिलरी रोडा का, ये कलर पिक कर रही हूँ दिस वन, और उसके बाद थोड़ा सा ब्लशर अप्लाई कर लेते हैं। ब्लशर के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की न्यूट्रल्स वर्सेस न्यूट्रल्स में से ये कलर पिक किया है, ये कलर ले रही हूँ। हाथ पे ऐसे मार लो कलर को, बहुत ही लाइट। हमारा थोड़ा सा ना आंखों का मेकअप रह गया, आप बोलोगे हाय क्या क्या करे जा रही है, लेकिन ये जरूरी है। जो रूल होता है कि ये जो हमने क्रीज एरिया पे कलर लगाया ना वही आंखों के नीचे वाली लाइन पे लगना चाहिए, तो हम इसमें से वही कलर ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको ब्रश को झाड़ लो, इससे और सुंदर लगेंगे आंखें। कर लेंगे ये जो ब्लू हेवन का मस्कारा है, बहुत अच्छा है, खास करके लैशेस को ना अलग अलग कर देता है। अब दुल्हन है, बिंदी भी लगाएगी, अब हम बिंदी लगा लेते हैं। चलो मैं पहले थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे, मैं ग्लैम 21 का यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आपको मिलती हूँ थोड़ा सा और तैयार होके। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। आई होप आपको मेरी ये लुक पसंद आई हो, और मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ।
एंड अगर आपको मेरे यहाँ मेकअप अच्छा लगा हो, मेरा हार्डवर्क अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए कि आपको किस तरीके का और मेकअप लुक चाहिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड आई विल मीट यू सून गाइज, बाय।